तो काम 2003 से स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन आना 2014। आप पढ़े लिखे और आप सिविल की तैयारी कर रहे थे, आपका रुझान इस तरफ क्यों हो गया? उसमें सफलता नहीं मिली और ये हमको अच्छा काम लगा। कृषि की अपेक्षा इसमें कितना ज़्यादा मुनाफा है? इसमें ये भी कृषि के अंतर्गत आता है, लेकिन मुनाफे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिस सौ गुना मुनाफा। यहाँ पे धान की, गेहूँ की अच्छी फसलें होती थी पहले, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, उसके बाद भी आपके दिमाग में केवल ज़्यादा आमदनी की वजह से ये व्यापार समझ में आया? वर्कर, कृषि में वर्कर ज़्यादा लगते हैं, जैसे मनरेगा सरकार की योजनाएँ स्टार्ट हो गई तो काम खेत में काम करने वाले लोग संख्या घट गई, और ये है कि इसको अकेले आप हैंडल कर सकते हैं, किसी से भी उतना ही लाभ मिलता है, लेकिन उसमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने ज़्यादा पड़ता है। अगर आजमगढ़ को देखा जाए तो यहाँ कितनी खपत अंडे की होगी? लगभग पर डे 25 लाख। और आजमगढ़ कितना सप्लाई कर पा रहा है? 3 से 4 लाख। यानी अभी भी संभावनाएं हैं इसको? खूब बहुत संभावना है। अभी आपके गांव हरैया में कुल कितने मुर्गी फार्म हैं? संख्या 10 है अभी, और खुलने को उम्मीदें हैं। ये तो 2 साल में खुला है सर, 2 साल के कही 1.5 साल में खुला है। तो अभी आप, ये लगता है कि और बढ़ेगी संख्या, और आप पहले अंडा बाहर से जो आता था या अभी भी आ रहा है तो आप बाहर सप्लाई करने लगेंगे? ये 10 साल बाद ऐसा संभव, ऐसी है स्थिति? 10 साल एक्सपोर्ट करने के लिए 10 साल, अभी 10 साल तक इसमें बढ़ने की संभावना है। अच्छा, आप यहाँ के सबसे पुराने और पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुर्गी फार्म खोला था जी। आगे आने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अरे, अभी 10 साल तक इसमें किसी की तरफ देखना नहीं है कि बिकने का कोई डर है, न किसी बिचौलिए का कोई समस्या है। 10 साल तक अपने आप बिकेगा, उसके बाद 11वें साल हो सकता है कि आपको बाहर बेचना पड़े, तो तब तक नए सिस्टम डेवलप हो जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं तो उसका भी लाभ आपको इस व्यापार में मिला क्या? जरूर, बीमारियों को लेकर और इसका वैक्सीनेशन को लेकर और आपको चारे की क्वालिटी के लिए, तो किसी भी कंपनी से, किसी भी व्यक्ति से बात किया जा सकता है, यह बीमारी कारण क्या है, अगर वो लक्षण दोबारा आता है तो देखने में आसानी होती है, पढ़ने का यही लाभ मिलता है।